नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले जोधपुर से खबर है, अनीता चौधरी हत्या का मामला। अनीता चौधरी के न्याय दिलाने को लेकर कैंडल मार्च निकाला। अब कुड़ी क्षेत्र में सर्व समाज की बैठक हो रही है। आगे की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। कुड़ी के बाजार बंद करवाने पर भी चर्चा चल रही है और आगे की रणनीति का फिलहाल खुलासा नहीं किया गया है। कल सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कुड़ी हाउसिंग बोर्ड के बाजार बंद रहने की सूचना है। तो वीर तेजा मंदिर में सर्व समाज द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई। मेरे माता जी का शव मिला था 31 को, हमने पोस्टमार्टम के लिए हाँ भी कर दी थी। जब भी चीजें हुई है सब साफ था कि हमने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि हमने साइन करके दे दिया। मेरे और मेरे पिताजी के साइन हो चुके थे, हमारे दो साक्षियों के अलग अलग साइन भी हो चुके थे, बट पुलिस ने फिर भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया। इस सब में पुलिस की मिली भगत भागीदारी शामिल। और राकेश हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं। राकेश, कैंडल मार्च निकाला गया है, आगे की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, जिस तरीके से अनीता चौधरी हत्या का मामला था, लगातार बवाल मचता गया रहा। आज 17वें दिन भी जो है अंतिम संस्कार को लेकर सहमति नहीं बनी। इस बीच में धीरे धीरे जब अब आंदोलन और इनका बढ़ता गया, आज शाम को सर समाज जो है वो पूरी सेक्टर में वीर तेजा मंदिर में एकत्र हुआ और वहां पर एक बैठक भी आयोजित की। उसके बाद एक कैंडल मार्च निकाला गया। पहले तो हत्या प्रकरण में जो है जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के साथ सीबीआई जांच की मांग को लेकर और न्याय दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। उसके बाद वहां सर्व समाज की बैठक हुई। पूरी व्यापार संघ के जो है पदाधिकारी वो भी इस बैठक में पहुंचे। करीब 2 से 2.5 घंटे तक पूरी बैठक हुई और उस आगे की रणनीति पर विचार किया गया। उसके बाद अभी सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र है वहाँ का पूरा बाजार जो है वो बंद रहेगा और उसके बाद आगे की रणनीति और साथ में विशाल धरना प्रदर्शन को लेकर भी बातें जो है वो सामने आ रही है। अब देखना है कि कल कितना विशाल धरना प्रदर्शन होता है और कितना सफल बाजार होता है, क्योंकि पहले दिन उन्होंने सरदारपुरा 2 घंटे के लिए बंद किया था। उस दिन भी बाजार सफलतापूर्वक बंद रहे थे, लेकिन अब पूरी क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है, हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से वहां कल सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक बंद करने के जो समाचार सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस को भी कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश इस जानकारी। हल्ला मत करो, हल्ला मत करो।